दोस्तों यूं तो हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु भगवान शिव अपने भक्तों की तपस्या और उनकी भक्ति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। रावण ने भी शिव की आराधना कर अपार शक्तियों को प्राप्त किया था, परंतु जो ब्राह्मण अपनी शक्तियों का गलत माध्यम से उपयोग करने लगा तो हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर भगवान राम के साथ मिलकर रावण का विनाश भी किया। तो कहानी है काशी के गंगा घाट पर रहने वाले अंध शिव भक्त की, जिनका नाम भोला था। भोला जन्म से ही अंधे थे, माता पिता को भी बचपन में खो दिया था। तो क्रूर संसार में जब भोला अकेला था तो उसने भगवान शिव का हाथ थामा। भोला प्रातः उठकर रोज गंगा नदी में नहाने जाता था और लोग कहा करते थे, मत जा भोला, तुझे दिखता तो है नहीं, किसी दिन डूब जाएगा। तो भोला कहता था, मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भोलेनाथ को तो दिखता है ना, वो बचा लेंगे। तो भोला कुछ अलग ही था, दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत होता तो शिव का नाम लेकर उन पर चिल्लाता, उन्हें डांट देता। भोले के भाव और भक्ति शिव के प्रति कुछ भिन्न ही थी, इस कारण लोग उसे पागल कहने लगे थे। पर भोला ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया न दिल में रखकर बुरा लगाया, वो खुद में और शिव की भक्ति में खुश था। एक रोज जब भोला पूजा कर घर लौट रहा था, तब भोला को पता चला कि शहर के बाहर आज शाम शिव सत्संग है। तो भोला ने सोच लिया कि वो आज शिव सत्संग में जरूर जाएगा। घर पहुंचकर अपना थैला, जिसमें शिवजी की एक तस्वीर और कुछ फल थे, और अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग के लिए। शहर से बाहर था एक रेलवे फाटक, भोला उसे पार करने लगा, पर वह इस बात से अनजान था कि दूसरी ओर से तेजी से बढ़ती हुई ट्रेन भोला की तरफ आ रही है। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भोला से पीछे हटने के लिए कहा, पर भोला ट्रेन की आवाज में कुछ सुनने में असमर्थ था। भरी भीड़ में किसी ने कहा, देखो एक सांप उसकी तरफ तेजी से दौड़ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज भोला की जान नहीं बचेगी, एक ओर ट्रेन और दूसरी ओर सांप। और फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर भी माना ना जा सके। भोला के दोनों पैरों में सांप रस्सी की तरह लिपट गया, और जब भोला ने आगे कदम बढ़ाया तो वो गिर गया, ट्रेन भोला के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप भी भोला के पैरों से अलग हो गया, ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लोगों ने बोला वो सब बताया तो वह मुस्कुराया और बोला, मेरी रक्षा किसी और ने नहीं, भगवान शिव और उनके भेजे हुए शेषनाग ने की है। हाँ ये सत्य है, मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, परंतु शिव तो सब देखते हैं, मेरा सुख दुख सब, मैं अपनी रक्षा क्या करूँगा, शिव है ना मेरी रक्षा करने वाले, और जय महादेव बोलकर वहाँ से निकल गया। तो ऐसे होते हैं शिव और उनके अनंत भक्त। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।